रिश्वत दे रहे हैं एक तरीके से कि आप बच्चे को पास कर देना मेरे और बच्चे को फेल मत करना, तो इसलिए वो साड़ियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि रिश्वत मतलब सर को ना देकर उनकी मिसेस को पटाया जा रहा है। हाँ, ये तो वही होता है ना कि वाइफ्स को पटाते हैं ज़्यादातर कि अच्छा वाइफ को पटा लो तो बॉस तक तो बात बहुत ही जाएगी टाइप्स। तो इस हिसाब से नहीं, मैं टच वुड मैं ब्लेस थी, मैंने कभी ये सारी चीज़ें ना मेरे फैमिली ने की है ना मैंने कभी की है चीटिंग्स या पटाने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। नहीं, ये सिचुएशन तो कभी नहीं आई है। मेरे घर वाले भी मुझ पे इतना प्रेशर नहीं रखते थे। इसी क्या होता है ना, बच्चा भी प्रेशर में तभी आता है जब घर वाले प्रेशर देते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चे को समझने की कोशिश करें, उसको पढ़ाई का प्रेशर ना दें, उसको ये ना बोलें कि यू हैव टू यू नो 80% लाने 90% लाने, तो शायद बच्चों को इतना प्रेशर ना हो और इतने एग्ज़ाम का इतना पहाड़ नहीं हो। फ्रीली एग्ज़ाम दे, यू नो माइंड फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। हम लोग भी जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो जब तक रिलैक्स नहीं होते माइंड से तब तक काम ही नहीं कर पाते हैं। सो बच्चे तो फिर भी बच्चे होते हैं, आधी चीज़ें बोल नहीं पाते हैं। सो आई थिंक पेरेंट्स को इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली एग्ज़ाम्स में एंड बोर्ड्स, कि आप बच्चों को प्रेशर ना दो, दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर मत करो। आपका बच्चा जो भी है जैसा है उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करो, बट एटलीस्ट डोंट प्रेशराइज हिम, ये मैं मानती हूँ।